हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ स्टेप से ब्लू एंड ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को करेंगे हम -18 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेंट की वैल्यू को ज़्यादा नहीं, इसकी वैल्यू को रखेंगे हम +6 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +11 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर की सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन में रेड टोन है वो सही लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -12 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +16 एंड नेक्स्ट जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी स्किन टोन है वो परफेक्ट रूप से सही लगे इसके लिए इसकी वैल्यू को हम -30 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +32 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस क्यों लेके जाते हैं, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -21 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -60 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +8 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब थोड़ा सा हमारी फोटो की लाइटिंग को हम सही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को कर देंगे हम -0.10 एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -9। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी की वैल्यू को ज़्यादा नहीं, इसकी वैल्यू को यहाँ से रखेंगे हम +10 एंड ऊपर में है टेक्सचर, तो इसकी वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो टेक्सचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +8 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे ताकि जो हमारी इस फोटो की लाइटिंग है वो एकदम स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -14 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, तो विनियट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -42 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीट पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +28 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से कर देंगे हम +20।
अब इस फोटो को हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इसे रखते हैं +20 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। एंड नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, तो इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।